आप भी स्टडी के लिए ट्रैवल अब्रॉड करना चाहते हैं आपका ड्रीम डेस्टिनेशन अमंग मेनी अदर कंट्रीज कनाडा हो सकता है, क्योंकि एक वास्ट मेजोरिटी प्रेफर्स कनाडा फॉर सो मेनी डिफरेंट रीजन लेकिन आपके लिए अब एक नई कंफ्यूजन क्रिएट हो चुकी है कि आप कौन सा टेस्ट हैं क्योंकि पहले और कोई आपके पास ऑप्शन नहीं था आयल्स का हम कह सकते हैं एक तरह से मोनोपली था लेकिन आई द्वारा लेटेस्ट रिलीज इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग टेंथ ऑफ ऑगस्ट ऑनवर्ड वो कुछ नए और टेस्ट को आ, करने जा रही है एक्सेप्ट और जिनके रिजल्ट्स के बेहा पे स्टूडेंट अपना एग्जाम दे पाएंगे अब ये डिफरेंट टेस्ट क्या हो सकते हैं और ये क्या हैंगजैक्टली exactly और ये कैसे आयल से डफ़र करते हैं आज के वीडियो में आइए इन तीनों टेस्ट को डिटेल में देखते हैं समझते हैं और आप इस सारी इंफॉर्मेशन को सुनने के बाद अपना कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताइए कि अब आप कौन सा टेस्ट देंगे आयल्स पी टी ए या टोफल आई बी टी और ये भी ज़रूर मेंशन कीजिए कि क्या आप तो अपना प्लान जो है वो चेंज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल आप पीटी करें तो अब आइल्स करेंगे आयल्स करें तो अब टोफल करेंगे टोफल करें तो आप करें तो पीटी करेंगे, करें तो करेंगे या ऐसा कुछ भी सबसे पहली बात आई इज द सोल ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया टू कंडक्ट द द्स एग्जाम दो देर आर वर्ल्ड वाइड अदर ऑर्गेनाइजेशन लाइक ब्रिटिश काउंसिल टोफल जो है वो एजुकेशनल टेस्टिंग सर्विस एट द सेम टाइम जो पी ही है वो पियर्सन एक काफ़ी नेम्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये एग्ज़ाम कंडक्ट करती है ना इसके ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आप इन टेस्ट के बारे में काफ़ी सारे इंफॉर्मेशन डिटेल में देख सकते हैं एंड आई ऑलवेज रिकमेंड स्टूडेंट टू विजिट ऑथेंटिक चैनल्स एंड ऑथेंटिक वेबसाइट्स ओनली सो दैट आपके माइंड में किसी तरह का कोई रूमर ना हो बट ऑफकोर्स ऑन दोज वेबसाइट यू कैन नॉट कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अदर टेस्ट फॉर्मेट जो है कंप्यूटर डिलीवर्ड आपको हर किसी में नजर आएगा आजकल दो पहले आई ब्रिटिश काउंसिल सिर्फ और सिर्फ पेपर बेस्ड एग्जाम कंडक्ट करता था लेकिन अब आपको आयल्स जो है वो कंप्यूटर डिलेवर भी मिलता है सिमिलरली आपको एंड पी दोनों ही कंप्यूटराइज टेस्ट मिलते हैं इन ज्यादातर टेस्ट के डेजिगनेटेड कंप्यूटर टेस्ट सेंटर्स रहते हैं जहां पर जाकर आपको ये टेस्ट देना रहता है पी टी का होम बेस्ड वर्जन भी है लेकिन आई डाउट इफ इट इज or it would be acceptable for your visa filing. ilski speaking module, i would say, ABB, face-to-face communication with the examiner, hoti hai. in most cases that would be human. it can be physically presented. और इट कैन बी रिमोटली लोकेटेड दूसरे लोकेशन से बैठकर कंप्यूटर पर हो रहा है लेकिन अदर टू टेस्ट वहाँ पर कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन स्क्रीन पर प्रॉम्प्ट होते रहते हैं आपको भूल के बताने हैं या उसके लिए आपको डिलीवरी करनी है आपकी वॉइस रिकॉर्ड होती है लेकिन वहां पर डायरेक्ट इंटरेक्शन विद द एग्जामिनर एज अ ह्यूमन नहीं होता है तो उनके लिए अच्छा है जो ह्यूमन प्रेफरेंस अवॉइड करते हैं लेकिन उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत भी है क्योंकि जो मशीन है वो हमेशा मशीन ही रहेगी फॉर एग्जाम्पल कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी होता और स्टूडेंट आई वुड और लेकिन जब तक उसने अपना आंसर देना स्टार्ट किया तीन सेकंड हो चुके थे तो मशीन आपका आंसर एक्सेप्ट नहीं करेगी हाउ एवर इन द केस ऑफ ह्यूमन तो एग्जामिनर ओके कंटिन्यू आई होप यू अंडरस्टैंड डिफरेंस। एग्जाम का ड्यूरेशन 160 मिनट्स के आसपास मतलब क्या हुआ तीन घंटे से थोड़ा सा कम रहता है एक घंटे का रीडिंग एक घंटे का राइटिंग और समे अराउंड थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट का लिसनिंग एक टेस्ट रहता है लेकिन कंपैरेटिवली ये जो टेस्ट टूफुल का है इसका ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा है तीन साढ़े तीन घंटे से भी ज़्यादा है और प्रम्च इन बिटवीन इज द ड्यूरेशन ऑफ द पी टी ई टेस्ट सब टेस्ट अलग अलग तरीके से आपको टेस्ट करते हैं आपकी लैंग्वेज एबिलिटी को इवेलुएट करते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे स्किल्स वही रहती हैं जो किसी भी एक लैंग्वेज की रहती हैं लिसनिंग रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग तो इन फोर स्किल्स पर आपको टेस्ट किया जाता है लेकिन हर एक टेस्ट का आपको इवेलुएट करने का तरीका वो ज़रूर डिफरेंट रहता है ऑफ़कोर्स आज के वीडियो में मैं आपको उन डिटेल्स में मैं नहीं लेके जा सकता अदरवाइज लेंथ ऑफ द वीडियो वुड बी टू लॉन्ग एंड ऑफकोर्स आई डोंट वांट टू रोइनी योर इंटरेस्ट फॉर दिस वीडियो लेकिन सर्टनली अगर आप चाहेंगे और चाहेंगे क्या मैं लेके आ रहा हूँ बहुत सारे आपके लिए अभी कोर्सेज़ आ रहे हैं पी के कोर्स के ऊपर हम वर्क कर रहे हैं जो बहुत जल्दी मेरी एप्लीकेशन पर अवेलेबल होगा उसके फ्यू बिट्स हमने आपके साथ शेयर भी किए हैं और एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में जैसे ही इसके ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट प्रोग्राम ये कंप्लीट हो जाएगा हम इसे अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे और अर्ली बर्ड्स के लिए काफ़ी कम्पटेटिव प्राइस पर ये अवेलेबल रहेगा और ऑफ़ कोर्स रीडिंग और आई एम सॉरी एकेडमिक एंड जीटी कोर्सेज फॉर आल्स आर ऑलरेडी अवेलेबल ऑन माय अप्लिकेशन ये पॉपअप आपको वहाँ तक ले जाएगा और इसे आप फॉलो कीजिए एंड चेक द वेरियस मटीरियल वी हैव फॉर यू एक चीज़ के एकेडमिक एंड जीटी वर्जन जो होते हैं वो आपके लिए आइल्स में ही अवेलेबल हैं दूसरों में नहीं है ड्यूरेशन के बाद क्वेश्चन है वैलिडिटी तो वैलिडिटी तीनों ही टेस्ट की सेम है अगर आप एक बार ये टेस्ट दे देते हैं तो अगले दो साल तक के लिए आप इसके रिज़ल्ट को यूज़ कर सकते हैं दैट मीन्स अगले दो साल तक ये वैलिड रहता है अब बात आती है कि कौन पास होता है और कौन फेल होता है गुड थिंग इज़ दैट के आयस या इन लैंग्वेज टेस्ट की दुनिया में कोई पास कोई फेल नहीं होता हर किसी को ग्रेड किया जाता है और डिपेंडिंग ऑन योर नीड आपको एक सर्टेन नंबर ऑफ स्कोर अचीव करना रहता है डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ डिफरेंट कॉलेजेस डिफरेंट ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हर एक चीज़ की रिक्वायरमेंट डिफरेंट रहती है सिक्स या सिक्स पॉइंट फाइव का एक एवरेज स्कोर चाहिए रहता है जिससे बहुत सारे स्टूडेंट फेमिलियर हैं और ये एक टेबल इंफॉर्मेशन आपको समझा सकती है कि कंपैरेटिवली आपको टोफल या पी कोर्स में क्या स्कोर करना होगा अब हो सकता है कि आपका अगला क्वेश्चन होगा वो रिलेटेड टू फी होगा आयल्स की फी एग्जैक्टली सिक्सटीन थाउजेंड टू हंड्रेड एंड फिफ्टी रुपीज अप्रॉक्स इफ आई एम नॉट कन्फ्यूज तो ये रहता है आयल्स का फी और बाकी एग्जाम का फी भी आस पास है मेरी टीम कोशिश करेगी कि एडिटिंग टाइम आपको एग्जैक्ट एंड करंट फी शो करने की कोशिश करें और पी टी भी सम अराउंड फिफ्टीन थाउजेंड फाइव हंड्रेड के आसपास है टोफल की हम चेक करके आपको बता देंगे तो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है फी भी मतलब इतना कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है कि कोई टेस्ट दो चार हजार रुपये का और आप काफ़ी सेविंग कर लेंगे उसे करके अब अगर थोड़ी सी डिटेल में जाऊँ मैं ये नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन टाइप बता रहा हूँ ये बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ मतलब अगर एक रीडिंग की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन आयर्स में है सिक्सटी मिनट्स एक घंटे का टेस्ट टोफल में है एक घंटे से लेकर एक घंटे बीस मिनट का और पी में अप्रोक्सीमेटली एवरेज थर्टी टू तो फोर्टी मिनट्स क्वेश्चन इसके फोर्टी रहते हैं तीन पैसेज़ में इसमें तकरीबन थर्टी सिक्स से लेकर फिफ्टी सिक्स तक क्वेश्चन हो सकते हैं पैसेज़ नंबर थ्री टू तो फोर एंड ऑफकोर्स इसमें पी में आपको 15 टू 20 क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन पैसेजेस आपको फाइव रीड करने रहेंगे लिसनिंग की बात करें तो इसकी ड्यूरेशन आयल्स में सबसे ज्यादा कम है कंपेयर टू अदर टू टेस्ट और अगेन यू हैव द नंबर ऑफ रिकॉर्डिंग टू लिसन मैक्मम इज इन द केस ऑफ टूफल प्रिडीमच एवरेज Uh, जो उसकी पीटी के साथ मैच करती है लुएस्ट इन द केस ऑफ आयल्स स्पीकिंग सेक्शन तो 11 से 14 मिनट एक एवरेज ड्यूरेशन रहती है आयल्स की काफी लंबी ड्यूरेशन है टोफल की अराउंड 20 मिनट्स और पीटी वाले ध्यान से सुन लें यहाँ पे समवेयर अराउंड 40 टू 40 50 मिनट्स कंप्यूटर Five to up to forty questions. I doubt this, and uh, I will get back to you on this as well. And finally, if I talk about the writing section, to of course, once again, one hour test in the aisles and the shortest format is in the case of PTE around thirty to forty. And in every case, you have to handle two tasks, and of course, subi on the computer, but आयल्स पेन एंड पेपर बेस्ड भी होता है तो अपने अपने फ़ायदे इन टेस्ट के और अपने अपने नुकसान हर एक टेस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपसे यही कहेगी कि हमारा टेस्ट थाउजेंड्स ऑफ़ यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती हैं और जब हाई कमीशन ही एक्सेप्ट कर लिया तो यूनिवर्सिटीज़ भी करेंगी एंड कोर्स इन सभी का यह भी कहना रहता है कि वही हम बेस्ट प्रोसीजर्स को फॉलो करते हैं हमारे जो रिजल्ट्स रहेंगे वो बिल्कुल ऑनेस्ट रिजल्ट्स रहेंगे ऑफ कोर्स आईडीपी के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना है काफ़ी ऐसी बातें होते रहते हैं कि नकली सर्टिफिकेट किसी ने ले लिया या किसी सेंटर पे कोई डिवाइस वगैरह पकड़ा गया ये श्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑथेंटिसिटी को मेंटेन करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स भी लगाती है बट एट द सेम टाइम ये टूफल अभी हमारे पंजाब में ग्रो करेगा पी थोड़े लेवल तक आ चुका है इसके टेस्ट सेंटर अभी टूफुल के लिमिटेड रहेंगे लेकिन आने वाले टाइम में जैसे आयल्स छोटे छोटे कस्बों तक भी पहुंच चुका है अपने सेंटर्स उतने खोल दिए हैं तो हो सकता है आने वाले टाइम में पी और टूफुल के भी आपको टेस्ट सेंटर हर जगह पर नज़र आए तो आज के डिस्कशन में आपने क्या पाया कि आपके हिसाब से कौन सा टेस्ट जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल और वैलिड है या इससे कोई नहीं फ़र्क पड़ता कि आप कौन सा टेस्ट देते हैं बस क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लेवल ऑफ़ इंग्लिश आपकी एक ही लेवल पे जाके टेस्ट होगी और उसकी के बेस पर आपका स्कोर आएगा ये नहीं है कि किसी का अगर आई में छः आ रहा है तो वो पीटीई में सेवन तक का अचीव कर लेगा या टूफल में एट तक का अचीव कर लेगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब डिफरेंट लेवल या डिफरेंट वे से आपकी इवेलुएशन होगी लैंग्वेज की तो एट द एंड ऑफ द डे आपकी उस एबिलिटी uh, को जज करके स्कोर तो आपको वही मिलेगा इट वुड ओनली डिपेंड कि आप अपने आप को कितना इम्प्रूव करते हैं किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए ताकि आप उस टेस्ट में हायर स्कोर अचीव कर सको आज के वीडियो में इतना ही इन तीनों टेस्ट के रिलेटेड आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है यू आर मोस्ट वेलकम टू रीच मी थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बाय नाउ